हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं रेडी हो चुका हूँ स्कूल के लिए, और स्कूल जाना है और ठंड काफ़ी हो रही है, और मेरी तो छुट्टी पड़ी नहीं है, बच्चों की छुट्टी पड़ गई है। आज मैं दिखाता हूँ आपको, आज बच्चों का ऑफ है क्योंकि विंटर वेकेशन पड़ चुकी हैं, तो अब स्कूल जाया जाएगा, टीचर्स आएंगे और मैं भी जा रहा हूँ स्कूल, तो देखते हैं फिर क्या होता है। ठीक है, अब वीडियो में बने रहना। गाइस, मैं आ चुका हूँ किचन में, और अभी खाना भी खाना है, और अभी बन रहा है खाना। ये देखिए, ये सब गोभी बन रही है और इसमें चावल बन रहे हैं, और रोटी अभी बनेगी। ठीक है, तो आप भी आ जाइए और खा लीजिए, फिर मिलते हैं बाद में। ठीक है, देखिए बहुत ठंड हो रखी है और आग जलाई हुई है यहाँ पापा जी ने, तो ये आग जल रही है। ठीक है, आप भी आ जाइए और सेक लीजिए। देखिए ठंड में आदमी क्या करें, बताओ। बहुत अच्छी आग जल रही है और ठंड हो रखी है आज तो बहुत ही ठंड। मैं आपको दिखाऊंगा बाहर का व्यू क्या है, बाहर का मौसम क्या हो रखा है। बहुत मतलब जो कोहरा है ना, फॉग बहुत झड़ रहा है, मतलब बहुत ही, मुझे बोलते हैं विंटर, रेदर कोल्ड हो रही है, फ्रीजिंग कोल्ड ना, वो वाली ठंडक गला देने वाली। गाइस, आप देख सकते हैं बाहर का मौसम कैसा हो रखा है, कितना फॉग आया हुआ है, धुंध ही धुंध हो रही है चारों ओर। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इधर दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा है, और लगभग 8:02 हो चुके हैं, और देखिए 8 बजे का हाल देखिए, बहुत ठंड है, कड़ाके की ठंड है। और जाना तो है इसको, आएंगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और इधर देखिए, और एक गोरा हो रखा है। सुबह सुबह का टाइम है, याद करिए गॉड को, और बिना गॉड के कुछ भी संभव नहीं है। मॉर्निंग में गॉड को जरूर याद करें, उनको जरूर नमन करें। हाँ, कहीं भी निकलें तो सुबह उठ के पहले उनको याद करना चाहिए हमें। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली गाइस, आई एम रेडी टू गो, चलते हैं अब स्कूल, चलते हैं देखते हैं क्या होता है, और मैं आपको मौसम दिखा दूँ। भाई वैसे ही कोहरा बना हुआ है। ठीक है, अभी चलते हैं गाइस। तो फाइनली गाइस, आप देख सकते हो कि मौसम तो बहुत ख़राब हो रखा है, मौसम की मार बहुत बुरी है। और इधर एक स्कूल भी है पीछे, BPS स्कूल, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखो निकल गया, ये BPS स्कूल है, ये देखो बसेस खड़ी है, BPS स्कूल की बसें खड़ी है। भाई ठंड में तो सही है, ठंड का एक अपना ही एक मज़ा है, और बहुत मज़ा आता है ठंड में। गर्मियों में देखा होगा आपने, गर्मी में तो बहुत गर्मी लगती है, और गर्मी में तो ऐसा होता पसीना टपकता है, और ठंड में तो चलो ये है कि कपड़े पहन लो और सही हो गया कि हाँ चलो, लेकिन गर्मियों में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठंड का तो मौसम फिर भी कूल है, बढ़िया है, लेकिन आज भाई साहब फ्रीजिंग कोल्ड है, जमा देगी ये जमा। देखो जो भी है, मैं एक बार आपको हाईवे की सैर करवाता हूँ ना, हाईवे पे चलते हैं फिर देखते हैं। फाइनली हम चौराहे पे आ चुके हैं, ये देखो चौराहा है, देखो देखिए गाइस, अब हम हाईवे पे आ चुके हैं, और हाईवे पे आप देख सकते हो कितना बुरा हाल है, मतलब ठंड का प्रकोप आप देख सकते हैं। इधर अलायंस आ गई है, ठीक है, अलायंस सिटी आ गई है इधर, ये देखो देख सकते हो आप हाईवे का हाल, और स्पीड से गाड़ियां आ रही हैं बहुत स्पीड से, और मैं स्कूल जा रहा हूँ आपको बताइए, ये देखिए कितनी स्पीड से आ रहे हैं। तो
पे आ चुके हैं। ये देखो देख सकते हैं आप, आज कमरा बहुत आया हुआ है और ठंड में बहुत मज़ा आता है और मैं स्कूल जा रहा हूँ और रास्ते भी काफ़ी दूर है और मैं आपको मिलवाऊँगा फिर स्कूल में। बच्चे तो आएंगे नहीं, मुझे ही जाना है, टीचर्स आएंगे और आज काफ़ी सारा काम भी है, काम भी करना है स्कूल का। देखते हैं, मिलते हैं आपसे स्कूल में, ठीक है, लव यू ऑल। गाइस मैं अपने ऑफिस में पहुंच चुका हूं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऑफिस में आ गया हूं मैं और सबसे पहले मेरा काम गौर को नमन करना ऑफिस में आके। तो गाइस इस स्कूल में अभी कोई नहीं आया और आ गया हूं मैं और ऑफिस में आ गया हूं। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं हमारा अटेंडेंस लिस्ट है और आज सेली बनानी है अटेंडेंस लिस्ट टीचर्स का। तो देखो इसमें आपको पता ही अटेंडेंस क्या होता है, सबकी जो प्रेजेंस होती है वो मेंशन की जाती है ना। तो आज ये बनानी है मुझे और ये बहुत सारा वर्क है, करते हैं ठीक है। सोच रहा हूँ कि दो लाइनें आपको सुना दूँ और बहुत प्यारी लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है। अमल की बात चले प्यार का पैगाम चले, अमल की बात चले प्यार का पैगाम चले, बात जब चली पड़ी सुबह चले शाम चले, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घटा, साके जाम चले जाम चले जाम चले। तो बहुत अच्छी ये लाइनें हैं और आपको कैसी लगी आप बताना ज़रूर मुझे और देखते हैं अब क्या करते हैं। ऐसा आप देख सकते हैं ये बच्चों ने बनाया है, लीडर्स एंड कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं इंडिया के, और भी बनाया हुआ मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ रेलवे ऑफ इंडिया, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं अच्छा बनाया ना, कमेंट करके बताइए कैसा है। हेलो गाइस, लाइफ में चीज़ें कभी भी और कैसे भी हो सकती हैं और कुछ भी हो सकता है, पर मुझे लगता है कि जो होता है अच्छा ही होता है हमेशा, जो गॉड करते हैं, जो परमात्मा करते हैं हमेशा अच्छा ही करते हैं और हमारी लाइफ में हमेशा अच्छा ही ढलता है, पर हमें लगता है कि वो गलत है उस समय के लिए, अगर कुछ गलत हो जाता है तो हमें लगता है कि वो गलत हो गया है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब समय बीतता है तो हमें लगता है हाँ चीज़ ठीक हुई थी। तो परमात्मा जो है हमेशा अच्छा ही करते हैं और हमेशा अच्छा ही होता है हमारी लाइफ में, तो ऐसा ना कहें कि ऐसा गलत हो रहा है करके, तो उस समय लगेगा कि गलत है लेकिन वो चीज़ अच्छी ही होती है, क्योंकि परमात्मा हमें अच्छा ही देते हैं, परमात्मा हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमें अच्छा लगता है वो नहीं देते, जो हमारे लिए बेस्ट होता है परमात्मा हमें वो देते हैं। जय हिंद। गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैं स्कूल में हूँ और काम भी आज बहुत सारा है और काम भी कर रहा हूँ और अब टी टाइम हो गया, चाय आ गई है, तो ठंड में जो है चाय का अपना ही मज़ा है, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है चाय। आप कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगती है, और अभी तो बहुत सारा काम रह गया है और आपसे बातें भी कर रहा हूँ और आपसे मिलकर बहुत मतलब दिल खुश हो रहा है। हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हॉलीडे चल रहे हैं, तो बच्चे कुछ बच्चे आ रहे हैं विदाउट यूनिफॉर्म, बुलाया गया है उनको ताकि उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए। तो ये बच्चे आए हुए हैं, तो उनमें से दो बच्चे हैं इनको सेलेक्ट किया गया है, एक एक्टिविटी करा रहा हूँ इनसे, आप बताना कमेंट करके आपको कैसी लगी एक्टिविटी। तो स्टार्ट करते हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है, टाइम की एक्टिविटी होगी और वॉच चल रही है वहाँ पर, मैं देख रहा हूँ टाइम। तो ये दोनों ये इनको बैलून दे दिया है और ये ऊपर करेंगे बैलून को, और जिसका पहले गिर गया ये भी करेंगे और ये भी, जिनका पहले नीचे गिर गया वो तो हार जाएगा और जिसका नहीं गिरा वो जीतेगा। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी, अरुण देव स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करो। दस सेकेंड,
अरुण देव आउट हो चुके हैं, अब सेकंड चार इनको मिल रही है क्रिश को। तो स्टार्ट करते हैं, क्रिश देखते हैं कितनी देर रुक पाते हैं। उन्होंने 10 सेकंड रुके थे वो, और ये देख लेते हैं कितने सेकंड रुकेंगे। ये 9 सेकंड हो गए, 10 हो गए, और 11 12 13, तो 13 सेकंड में इनका भी कर चुका है। तो फाइनली ये आपको पता ही है जीत चुके हैं, और ये फर्स्ट पोजीशन पे आए और सेकंड पोजीशन में। तो आप कमेंट करके बताइए और इनकी राय जान लेते हैं। गाइस कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। गाइस ये रुद्र है, बहुत प्यारे बच्चे हैं, और ये है जिगर, जिगर कितना, ये जिगरदीप है। दोनों आज इधर से खेलने के लिए जा रहे थे क्योंकि इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो ये खुद खेल रहे हैं। ये देखो इनको खेलने जा रहे थे, फिर किस लिए जा रहे थे, बेर तोड़ने। बेर कहाँ से लेके आओगे, इधर बेल लगे हुए हैं, तो पेड़ पे कौन चढ़ेगा बताओ, पेड़ पे कौन चढ़ेगा बेटे, हाँ आप चढ़ोगे, तो फिर चोट लगी फिर क्या होगा, बोलो बोलो। और ले गए एक बार बेर, पहले ले गए हो कभी, फर्स्ट टाइम आए हो, यार देखो इधर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम नहीं आए हो, और भी आए हो मतलब, अच्छा तो पढ़ रहे हो घर पे, पढ़ाई कर रहे हो, कौन कौन सा वर्क कंप्लीट कर लिया आपने, हिंदी कर ली, और क्या रह गया फिर आपका, मैथ्स हो गई आपकी, एज वेल साइंस, साइंस भी हो गई, तो भी याद नहीं करो, याद नहीं कर रहे हो उसको, कंप्लीट कर लिया ना वर्क, तो उसको याद भी करो, हाय बोल दो, हाय हाय बोलो। तो फाइनली गाइस मैं घर के लिए निकल चुका हूँ स्कूल से, और आज छुट्टी जल्दी कर दी थी और ठंड भी काफ़ी हो रही थी, तो मज़ा आया आज। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपना ऐसे ही प्यार देते रहें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच दोस्तों।